Ladies and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Bishan Glam. बेसिकली आज मैं शेयर कर रही हूँ एक अनदर हॉल. मैंने बहुत टाइम से कोई हॉल नहीं किया है बिकॉज मैंने ऐसा कुछ बाय नहीं किया. कभी कभार छोटा मोटा बाय हो जाता है तो क्या ही दिखाना, वो शॉर्ट्स में हो जाता है. सो मुझे लगा कि एक हॉल तो बनता है. आई थिंक ये मेरा सेकेंड हॉल होगा शायद मीशो का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बाई नहीं करती. कभी कभार एक आधा चीज़ कोई बाई करती हूँ तो उसका क्या ही हॉल होगा. सो अभी रिसेंटली मैंने कुछ एक आधा चीज़ें ली है जो मुझे लगा कि शायद आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए. वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. और जहाँ मैं अपनी वीडियोज में DIY शेयर करती हूँ, मेकअप वीडियो शेयर करती हूँ एंड सम हैक्स, सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ टॉप्स बाय किए हैं इस टाइम पे. व्हाइट कलर का है, इसकी जो स्लीव है वो बलून स्लीव्स है और बहुत कंफर्टेबल है. फैब्रिक की आप बात करो बहुत अच्छा फैब्रिक है. थोड़ा इरिटेट करता है आपको विंटर में अगर आप दिन के टाइम पे ऐसा पहनना पसंद करोगे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है इसका. यू नो लाइक पॉलिस्टर काइंड ऑफ ऐसा कुछ कुछ तो मतलब मुझे पता नहीं ठीक से. सो आगे से ये कुछ इस तरीके का है और आप इसे अपने हिसाब से वो भी कर सकते हो कि आपको कितना पहनना है. लॉन्ग पहनना है तो आप उसको लॉन्ग बना सकते हो, शॉर्ट पहनना है इस तरीके से तो आप इसे शॉर्ट बना सकते हो. एक्सेल मैंने साइज़ लिया हुआ है, साइज़ मैं हमेशा लूज़ पहनती हूँ. एक्सेल भी कभी एक्सेल फिट होता है, कभी एक्सेल लूज़ भी होता है. सो मैंने हमेशा ही हमेशा लूज़ ही पहना. फिर फिटेड कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना. मैं जब जो भी साइज़ में थी, एस एम एल जो भी साइज़ में थी, मैंने फिटेड कपड़ा कभी नहीं पहना. सो नेक्स्ट है, दिस इज़ अ ब्लैक टॉप. ये बहुत अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल की बात करूँ तो अफोर्डेबल के साथ साथ अच्छा भी है. आई थिंक 150 समथिंग में मुझे ये टॉप पड़ा हुआ था. सो ये ब्लैक कलर का है इस तरीके का. इसकी भी कुछ स्लीव्स थोड़ा सा पफी टाइप की हैं और हाफ स्लीव है इसकी. आगे से इस तरीके का दिखता है, बहुत कंफर्टेबल है. इसे मैं जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हूँ अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो. हाई वेस्टेड जो जीन्सेज होती हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ बिकॉज बेली फैट है मेरा बहुत ज़्यादा. सो और उसके बाद जो है ये है रेड. मैंने दो लिए हुए थे, एक ब्लैक एंड रेड. इनको भी मैंने साड़ीज़ के साथ ही पेयर करने के लिए लिया हुआ है. और एक मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ फुल वीडियो कि आप कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपनी टॉप्स को अपनी साड़ीज़ के साथ. मॉडर्न लुक भी आता है एंड यू आर लुकिंग एब्सोल्यूट मतलब हेवन कह सकते हो. मतलब आप कहीं पार्टीज़ में जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, यार मुझे तो पसंद है समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना मुझे पसंद है. वो भीड़ चाल में चलना मुझे थोड़ा सा पसंद कम है. सो नेक्स्ट बात करते हैं. ये थोड़ा थे टॉप, मैंने इससे ज़्यादा बाय नहीं किया. हाँ बट मैंने विशलिस्ट जरूर किया है, मैंने और लेने वाली हूँ मैं. नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो शायद हर लड़की को बाय करनी चाहिए. ये है शॉर्ट्स. जब हम शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, मिडी वगैरह पहनते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है. मीन्स अंदर से हमने अगर कुछ और नहीं पहना हुआ होता है तो उनके लिए ये है. ये क्यों है, इसकी क्वालिटी ओ माय गुडनेस. स्टिच आप देख सकते हो, आप साउंड भी सुन सकते हो, यू नो रबर की जैसी हल्की हल्की साउंड. इतना कंफर्टेबल, इतना कोजी. और ये जो नीचे की इसमें लेस लगी हुई है ये इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. थाइस तक आपका ये आता है, बहुत कंफर्टेबल है इस तरीके का है. सो आप इसे भी ट्राई. बहुत स्टिच है इसमें भी, आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, एल एक्सएल एंड शायद और भी साइजेस. सो 250 या समथिंग ऐसे मुझे ये दो कॉम्बो मिला है, दो का कॉम्बो मिल रहा था आपको. नेक्स्ट आई हैव दिस कैप. सो अभी हम लोग मेरा अगर आपने व्लॉग चेक नहीं किया है तो मेरे चैनल पे व्लॉग्स में जाके आप मेरे आगरा के व्लॉग्स चेक कर सकते हो. और सच बताऊँ मेन व्लॉग ही डिलीट हो गया आगरा, मतलब ताज पे जहाँ हम गए थे. मेरी जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो गया था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. सो मैंने वहाँ के लिए कैप खरीदी थी कि मुझे शायद काम आएगी ये कैप. बट जब मैंने इसे बाय किया था तो मेरे बाइक हम लोगों के जाने के बाद ही डिलीवर हुई. बट फिर भी मैंने इसे रख लिया क्योंकि बहुत क्यूट है. प्लस मुझे काम तो आएगी, अभी मैंने बन बनाया है तो ऐसे लग रहा है. बट बहुत कंफर्टेबल है, सबसे अच्छी बात है बहुत अफोर्डेबल थी. 175 रुपीज़ में मुझे इसे मिल गया था.
इसकी बात करूँ तो बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। क्या ही चाहिए यार, महंगी खरीद के क्या करना है। कभी कभार तो हम बाहर जाते हैं और घर पे पहन के तो मैं कोई घूमती नहीं हूँ। बाहर कभी जाती हूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं कि इसे पहनूँ, मतलब क्योंकि हमेशा मेरा बन ही बना रहता है, और स्कूटी में जाती हूँ तो हेलमेट ही रहता है, तो काम तो आएगा। और कलर लेवेंडर कलर है माई फेवरेट, मतलब लेवेंडर कलर तो कुछ सालों से ट्रेंड में है ही, सो बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट आई हैव अ फुटवेयर कलेक्शन। यस, थोड़ा बहुत फुटवेयर है और इस तरीके की फ्लैट मैंने ये ही ली है। एक ये एक्चुअली यस मैंने एक ही ली है, सो येलो कलर की है, समरी कलर है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार मैं स्टाइल करना पसंद करती हूँ इस तरीके के कलर्स, जैसे आपने कुछ ब्लैक पहना है, वाइट पहना है, तो उसमें इस तरीके के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने लिया। आई थिंक इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं लिंक दे दूँगी आपको। वैसे भी प्राइसिंग तो एक सा रहता नहीं है कभी, थोड़े बहुत प्राइसिंग की बात करूँ अगर वैसे आपको मैं बात बता दूँ तो जो ये शॉर्ट्स थे ये 181 रुपीज़ में मुझे दो मिले हैं। एंड जो टॉप था आपका ब्लैक एंड ये रेड वाला, ये 130 रुपीज़ में मुझे पड़ा है। सो बेस्ट डील मिली हुई है भाई, इतने में तो कपड़ा भी नहीं आएगा ब्लाउज़ का, जिस हिसाब से मैंने इसको सोच के लिया। और जो गर्ल्स हैं वो तो जीन्स के साथ भी, जो कंफर्टेबल हैं वो जीन्स के साथ भी इसे पेयर कर सकती हैं। हाँ, मेरा बेली अगर अंदर थोड़ा सा चला गया तो मैं भी करूँगी। सो जो भी है, नेक्स्ट है ये वाइट वाला जो मैंने टॉप लिया था, मैंने आपको फुल स्लीव्स का दिखाया था, वो पड़ा है मुझे 340 रुपीज़ का। वो थोड़ा सा हाई रेंज का था बट अच्छा था, 340 रुपीज़ में बहुत बेस्ट डील है, बहुत अच्छा कपड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप की, तो कैप पड़ी है मुझे 178 रुपीज़ में। यस, 178 रुपीज़ में कैप पड़ी है। और अब बात करते हैं आगे, ये मुझे नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सबसे पहले डिलीवर हुआ था। ये कुछ एक साथ नहीं हुई है ये शॉपिंग यार, मतलब बीच बीच में शॉपिंग हुई है, एक साथ नहीं करती मैं इतना। नेक्स्ट लिए मैं यहाँ पे, मैंने कुछ शूज़ ट्राई किए हैं और एक बूट भी ट्राई किया हुआ है, बूट तो नहीं कह सकते प्रॉपर से, हाँ बूट ही है ऐसा कह सकते हो। सो यहाँ पे है मेरा फेवरेट पीस, बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं बट हाँ फेवरेट है, अफोर्डेबल साइज़ में मुझे पड़ा हुआ है याला शूज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, मुझे ये शूज़ पड़ा है 349 रुपीज़ में, 370-380 में ये मुझे पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें चेंज हो गया है। सो ये इस तरीके का वाइट इसका नीचे का बेस है, इसमें अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं। इस तरीके का शूज़ भी मुझे चाहिए था बहुत टाइम से, सच बताऊँ तो मैं अपने वाइट शूज़ को ऐसे पेंट करना चाह रही थी, मेरा एक पुराना वाइट शूज़ है कि यार काम भी आ जाएगा। तो मैंने इसे देखा और बहुत अच्छे, मैंने इसे विशलिस्ट किया था, फिर एक दिन मैंने देखा कि बहुत अच्छे डील पे मुझे मिल रहा है यार, 380 रुपये में जूता मिल रहा है, इतना सही और क्या ही लोगे। एक डेढ़ साल भी चला लिया, और जैसे मैं डेली यूज़ में जाती हूँ, मैं समर्स हो चाहे विंटर हो कुछ भी हो, मैं शूज़ पहनना ही कम्फर्टेबल समझती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जॉब पे जाना होता है और चलना फिरना होता है थोड़ा सा, तो शूज़ कम्फर्टेबल रहता है तो इस तरीके के। बट ये थोड़ा सा गर्मी करेगा मुझे इस मौसम में शायद, तो जो भी है विंटर में भी अच्छा लगेगा और अभी भी अच्छा लग रहा है। इस तरीके का है लॉन्ग वाला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इस तरीके का शूज़ मेरा फिलहाल अभी तक था भी नहीं, जो शॉर्ट वाले शूज़ होते हैं वही थे मेरे पास, तो इस तरीके का है, बहुत अच्छा सोल है इसका। शूज़ में मैं पहनती हूँ 37 और हील्स में मैं पहनती हूँ 38। यस, और शायद फ्लैट में भी मैं पहनती हूँ 38, हाँ 37-38 के बीच में मुझे मतलब आता है शूज़, लेकिन मुझे 37 ही आता है, मुझे खुद भी पता चल गया है क्योंकि वाइट स्नीकर सबके पास होते हैं, वाइट शूज़ हर किसी के पास होता है, तो मेरे पास है ये इस तरीके का। सॉरी, मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, वॉश नहीं किया मैंने। सो बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत कम्फर्टेबल लगता है, अगर आप मिडी पहन रहे हो या जीन्स पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, बहुत कम्फर्टेबल लगता है। और आजकल तो यार वेडिंग में भी लोग पहनने लगे लहंगे के नीचे, सो दिस इज सो गुड। और प्राइसिंग की बात करूँ 400 समथिंग में मुझे ये मिला था, कुछ ऐसे ही। नेक्स्ट आई हैव अ बूट, आई लव बूट्स। अगर विंटर चल रहा है तो मैं बूट्स ही पहनती हूँ क्योंकि वो ना आपके लुक को एलिगेंट बनाता है, क्लासी बनाता है, और हर किसी में जच जाता है, साड़ी पहनी हो, सूट पहना हो, कुछ भी पहना, बूट्स बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज इट, सो बहुत अच्छा है ये, मैंने एक दो बार इसे पहन भी लिया है, शायद एक ही बार पहना है अभी।
परसों ही मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे गई थी तब. सो दिस इज इट. हील्स बहुत कंफर्टेबल है. आई डोंट नो यार कितना इंच है, मुझे इंच में इंच नहीं पता. बहुत कंफर्टेबल है. ब्लॉक हील है क्योंकि मैं हील्स नहीं प्रेफर करती हूँ. मैं हील्स खुद नहीं पहनती हूँ. मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ हील्स में. तो ऑब्वियसली मैं आपको कह रही हूँ कि ये कंफर्टेबल है, तो यस ये कंफर्टेबल है. आप चल सकते हो उससे, इजीली चल सकते हो, आपको परेशान नहीं करता. वैसे भी बूट्स की जो हील होती है वो परेशान नहीं करती, जो ब्लॉक हील्स होती है, क्योंकि आगे से इसमें सपोर्टर है, आगे भी हील दी हुई है, तो ये आपको परेशान नहीं करती है. आपके जो टो होती है उसमें दर्द नहीं होता है. सो ये इस तरीके का है. तो बहुत लॉन्ग नहीं है. यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेचेबल है, तो शूज़ आपको पैर में फंसाने में सही रहता है. इसमें भी साइज में, इसमें तो साइज में 39 साइज़ है, पता नहीं क्या. हील्स में थोड़ा रहता है ना, मतलब थोड़ा पैर ऐसे होता है, तो मतलब साइज थोड़ा हो जाता है. 39 में मेरा साइज़ है. आप अपने साइज़ के हिसाब से देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. और इसका जो प्राइसिंग था जब मैंने इसे बाई किया था, तो ये 900 समथिंग का था. अभी इसका प्राइस ड्रॉप आउट हुआ है. यस 931 था, अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है. 810 रुपीज़ में मिल रहा है यार. और ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो मीशो वाले आपको 10-15-20 रुपये और डिस्काउंट दे देते हैं. तो सो नेक्स्ट है मेरे पास अगेन एक ब्लैक शूज. ये शेयर करना आपके साथ इसलिए बनता है क्योंकि बहुत लोगों को ब्लैक शूज़ भी चाहिए होता है. और इसका जो ये पर्पल शेड का कुछ लाइनिंग वगैरह बनी हुई ना शाइन सी, ये इसको बहुत एलिगेंट बनाती है. एक्चुअली इसे बाय तो मैंने बहुत टाइम पहले किया था. इतना मैंने इसे घिस दिया है, इतना घिस दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ. और इतने कंफर्टेबल हैं, इतने अच्छे हैं. और ब्लैक है तो बहुत सारी चीज़ों में चल जाते हैं. जब मैंने इसे बाय किया था आई थिंक 400 समथिंग का था, अब तो ये 300 की रेंज में आ गया है. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास है एक गॉगल. मैंने फर्स्ट टाइम लोग ऐसे गॉगल्स लिए हुए हैं क्योंकि मैं स्पेक्स पहनती हूँ. तो जो मेरा गॉगल होता है वो भी नंबर वाला ही होता है. तो मैंने आज तक कभी लिए ही नहीं ऐसे मार्केट में जो मिलते हैं ना. तो मैंने ये लिए आजकल, क्या बहुत टाइम से फेमस है ये. अभी तक मैंने जस्ट यार चलो फोटोशूट कराएंगे ऐसे कर करके, तो याले गॉगल्स मैंने लिए. बाय वन गेट वन मिल रहा था. आई डोंट नो उस समय कितने का मिल रहा था जब मैंने बाय किया था. 144 का मिल रहा था, अभी भी 138 का हो रहा है. तो ये इस तरीके के थे. मुझे लगा फ़ोटोशूट कराऊंगी मैं इसमें, बट अभी तक फ़ोटोशूट नहीं कर पाई हूँ. यू नो याले ट्रेंड में जो है ये. सो अभी मैंने इसे कुछ शूट वूट नहीं किया है, शायद मैं करूँगी. सो ये मैंने लिया. मुझे लगा कि चलो साथ में मिलके मेरी फ्रेंड और मैं करवाएंगे, या मैं अलग अलग इसमें करा लूँगी. वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो मिल रहा था. तो सब लोग को मैं देखती थी, इंस्टा पे देखती थी, वो देखती थी, क्योंकि मैं तो स्पेक्स पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता. इवन जब मैं अभी वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ, मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता. सब मैं अंदाजे से करती हूँ. यस मेरा आई शाइट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है. और जो मैं गॉगल यूज़ भी करती हूँ, गॉगल्स डेली यूज़ में अपने, जब मैं मार्केट जाती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ या स्कूटी पे होती हूँ, जो मेरा गॉगल होता है वो भी पावर वाला होता है. तो दिखना तो इसमें मुझे कुछ है नहीं, बट ऐसे टशन मारूंगी मैं. सो मुझे अच्छा लगा था ये, तो मैंने इसे लिया था. सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. सो नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरेस्टिंग और फिर से अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मिलूंगी. सो तब तक के लिए बाय बाय.